यही था हमारा घर, मतलब छोटा सा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे हो, सेफ हो, अपने घर पे हो। सो गाइस जस्ट अभी मैं कार्यक्रम देख के आया हूँ घर, और दोस्त के साथ गए थे, वहीं पे खाना खाया और घर आया अभी। और आज दशहरा है, दशहरा तो मैं जाता नहीं, लेकिन शाम को जरूर जाता हूँ डांस देखने। डांस भी उतना शौक नहीं, बस नाटक देखने जाता हूँ गाइस। सो गाइस अभी मैं जस्ट सो के उठा था, और मेरे को पता ही नहीं था कि इतना पानी गिरा, देख गिर भी रहा है अभी। सो गाइस यार अभी लगभग 1 बज चुका है, और मैं लगभग 8 या 8:30 को खाना खाया था, तो बहुत भूख लगी है। अभी हाथ मुंह धोकर खाना खाता हूँ। सो गाइस आज खाने में है चावल और सेमी आलू बड़ी। सो गाइस खाना वाना हो चुका है, फिर भी ये पानी जो है टपर टपर कर ही रहा है। सो गाइस यार पानी वानी छोड़ चुका है, तो मैं निकल पड़ा हूँ अपनी खेत की ओर। Close your eyes. So finally guys, यार हम हमारे खेत में पहुंचने वाले हैं। अब ज्यादा दूर नहीं है, वहां से पैदल आना मजा ही आता है यार। थोड़ा दूर है बट मजा ही आता है पैदल चलने में। आपको मैं अपना खेत दिखाऊंगा, ठीक है, पहुंचने वाला हूँ, थोड़ा देर वेट कर। So सामने से हमारे छत्तीसगढ़ के हीरो आ रहे हैं। किधर ले गए थे? अभी इतना जल्दी ले जा रहे होते? अच्छा करे बाबू, अभी 2:08 हो रहा है, इतना जल्दी ले जा रहे हो क्या यार? अच्छा सुबह से बिना खाना खाए कैसे? सो गाइस यार हमारे साइड वैसे ही ले जाते हैं, कोई कोई, हर कोई नहीं, मतलब खाना खा के कोई ले जाते हैं, तो कोई ऐसे ही ले जाते हैं, कोई भूखे, और कोई दिन भर ले जाते हैं, मतलब खाना वाना पकड़ कर। ये पानी फिर टिपक रहा है यार, ऐसा मत कर भाई साहब। अरे भाई यार मेरे को तो भिगाए जैसे लगेगा, भिगाएगा पानी। तो चलिए यार आप हमारा खेत का नजारा दिखाता हूँ सामने के कैमरे से, सॉरी पीछे के कैमरे से। सो गाइस देखो यार धान, ये जितना भी दिख रहा है ना यही है। मजा कर रहा हूँ गाइस, सामने वो जो पेड़ दिख रहा है ना, वहाँ से उधर वो पेड़ तक है, उधर बाकी चाचा मन का है, मतलब जानते हो कि भाई भाई में बंटवारा होता ही रहता है, आपको तो पता ही है। मतलब वो चारों तरफ यहाँ से पूरा है, मतलब चाचा का है, पापा का है, मतलब हमारे यहाँ और चाचा मन के हैं। तो गाइस देखो ऊपर का मौसम मस्त हो रहा है, और धान इस साल का थोड़ा ठीक नहीं है देखो। और हाँ गाइस मैं आप सबको अपना घर दिखाना चाहता हूँ, जहाँ हम रहते हैं, कभी कभार रहते हैं, मतलब घर ही समझो। तो चलिए यार मैं दिखाता हूँ आपको अपना घर। सो गाइस ये है मेरा घर, देखो गाइस यार यहीं पर हम मतलब सोने भी आते हैं। तो ये है गाइस मेरा घर, जहाँ पे हम आते हैं, मतलब मक्का वक्का लगाए रहते हैं ना, मतलब इतना टाइम कभी कभार सो भी देते हैं इधर, मतलब ज़्यादा ही, मतलब पानी वानी गिरने से। टंकी है और यहाँ पर सब कुछ की सुविधा है गाइस यार, नमक है, मिर्ची है, साबुन वाबुन सब है, जो कि टंकी है, यहीं पर नहा कर हम घर जाते हैं। सब कुछ की व्यवस्था है, मतलब कुछ भी इधर सब्जी वब्जी बना देते हैं, खट्टा वट्टा भाजी, मतलब अभी तो नहीं, मतलब नहीं उगाए हैं इसका, क्योंकि धान लगाए हैं इसका, नहीं तो इधर ही बनाते हैं, मतलब अभी थोड़े दिन में लुहाई चलने वाली है, होने वाले हैं धान में। सो गाइस जब आप खेत साइड आओगे ना, तो कुछ अलग सा ही फील होता है, मतलब हवा मस्त आता है एकदम, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है, ना इधर ध्यान जाता है ना उधर ध्यान जाता है, इधर मतलब एकदम सुनसान रहता है, बस पक्षियों की आवाज चहचहाती हुई सुनो आराम से, देखोगी शायद आपको पक्षियों की आवाज आ भी रही होगी। तो गाइस यार यही था हमारा घर, मतलब छोटा सा घर खेत साइड का। भागो भाई लोग, भीग गया मैं आज, बहुत पानी आ रहा है, भागो। तो गाइस पूरा भीग गया यार, पता नहीं कैमरा कैसे आ रहा होगा।
तो गाइस देख सकते हो यार भीग गया पूरा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं यहाँ पर हूँ जो कि ऊपर थोड़ा छांव है। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। आप पापा का गाली सुनो।